वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। नजर आ रहे, आओ मेरी कौम के जवानों, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम ही इनकलाब पैदा कर सकते हो, तुम ही दुनिया में तब्दीली ला सकते हो, तुम ही इश्क रसूल के बेहतरीन दाई बन सकते हो। पहले तुम तो आशिक बनो, और इश्क याद रखना, महबूब पर सब कुछ कुर्बान कर देने का नाम है। इश्क ये है कि जो महबूब चाहे वो हम चाहें, महबूब की मर्जी के खिलाफ हम अपनी जिंदगी ना गुजारें। हैरत है, हम इश्क करते हैं मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फटी हुई पैंट पहनते हैं जब वो अदाकाराओं के तरीके पर। बताओ, हंसने की बात नहीं, इश्क किससे किया? आमिना के लाल से। और किसके तरीके पे चल रहे हैं? अदाकारों के तरीके पे चल रहे हैं। फटी हुई पैंटे जिससे रान दिख रही है, जिससे घुटने के ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, ये हराम है। इश्क किससे किया? मदीने के ताजदार से। और किसके जुल्फ रुखसार की बात कर रहे हो? फिल्म की अदाकारा के, फिल्म की अदाकार के। सोचो तो सही, अरे इश्क उनसे किया था तो उन्हीं के जुल्फ का जिक्र करते, उन्हीं के रुखसार का जिक्र करते, उन्हीं के तस्करे करते, उन्हीं पे तबसरे करते, उन्हीं की शान बयान करते, उन्हीं की अजमत बयान करते। एक आखिरी में बात अर्ज कर दूं खत्म करते हुए, अच्छी तरह याद रखना कि हुजूर का जिक्र करोगे, हुजूर की नाते पढ़ोगे, हुजूर से इश्क करोगे, इंशाल्लाह हुजूर को ख्वाब में देखा करोगे, ख्वाब में हुजूर से मुलाकातें करा करोगे, हुजूर से बातें किया करोगे। ये कोई मैं बात नहीं, बस बात एंड को पहुंचाते हुए, बहुत लोग कहते हैं हजरत हमें कोई वजीफा बताएं, हुजूर को देख लें। मैंने कहा इश्क से बड़ा कोई वजीफा नहीं है। आशिक बन जाओ, मिट जाए ये बेखुदी, मिट जाए ये खुदी, तो वो जलवा कहां नहीं। बात एंड को जाती है, कुछ याद रहे ना रहे, ये बात मेरी जरूर याद रखना, सबसे दिल लगा के देखा है, एक बार उनसे दिल लगा के देख लो, तन्हाई में रोओगे, ऐसा लगेगा उनके आस्तीन तुम्हारे आंसुओं को खुश्क कर रहे हैं। बैठ जाओ, बेचैन हो जाओगे, यूं लगेगा कि कोई तसल्ली का हाथ तुम्हारे सीने पे रख रहा है, तुम्हारी तकलीफें तुम्हें बेचैन करेगी, तो यूं लगेगा कि कोई तुम्हारा हाथ थाम करके तुम्हें सहारा दे रहा है। ये सब चीजें क्यों महसूस नहीं हो रही है? क्योंकि हमने बातें की है, इश्क नहीं किया। आइए, मुझे एक बात याद आई, वो एंड वाली वो बात पूरी कर दूं। क्या एक बहुत बड़े आलिम थे, आलिम थे, अरबी जबान पे उबूर था, बड़ी सलाहियत अल्लाह ने दे रखी थी, शायर भी थे और कादिरुल कलाम शायर थे। छोड़ दो तो उसको, बात इख्तिताम पे चल रही है, चैन से सुन लो। जब महबूब का जिक्र हो सब सरापा कान बन जाए, सब इंतजाम छोड़ दे, इंतजामिया भी बैठे, आपको भी जरूरत है जिक्र रसूल की। ये वो जिक्र है मुश्क की तरह, जितना रगड़ते जाओगे खुशबू उठती जाए। काम की बात, बड़े शायर थे, और जब हुनर आ गया, हुनर आता है तो हुनरमंदों को लोग खरीदते हैं, हुनर आया तो बादशाहों ने बोली लगानी चाहिए, और बादशाहों ने कहा, उस आलिम का नाम था अल्लामा शरफुद्दीन। क्या नाम था? अल्लामा शरफुद्दीन। बादशाहों ने बोली लगाई, बड़ी रकम दी, तो कहा कि हमारी शान में कुछ लिखो। तो बादशाह के शान में कसीदे पे कसीदा, कसीदे पे कसीदा, कसीदे पे कसीदा, कसीदे लिखते रहे, और जब नया कसीदा भेजते, पैसा 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 पैसा, वो निछावर वजीरों की तरह कुर्सियों पे अपने बाजू में बिठाता। अल्लामा तो दौलत में डूबे हुए थे। एक दिन एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फकीर, देखो भिखारी अलग होते हैं, फकीर अलग होते हैं, सारे भिखारी फकीर नहीं होते, लेकिन हर फकीर आपको भिखारी के रंग में नजर आता है। वीडियो तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर